फिरू टेलर, सहयात्री, जिसमें हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे एज गार्डनर ने अपनी यात्रा प्रारंभ की लंदन से मिडलैंड टाउन। जिस ट्रेन से ये सफ़र करते थे वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, क्योंकि जब ये पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पर अपना सारा काम करके तो काफ़ी लेट हो चुका था, और ये लास्ट ट्रेन थी जिस पर ये सफ़र करते हैं। और इस ट्रेन पर बैठते ही जगह मिलती है किसी तरह से, और अपना सुर शुरू करते हैं। राटा कहता है कि आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट, इनडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड फ्रेंडली लेजरली ट्रेन, वन ऑफ दोज ट्रेन विच give you an understanding of eternity. It was probably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. I do not know, mujhe bilkul nahi pata tha, मुझे नहीं याद था कि सबसे पहले उस ट्रेन में पहले कौन अंदर गया था। इन डीप वास्तव में आई डिड नॉट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चिंतन करूँ तो भीड़ में सबसे पहले उस ट्रेन अंदर कौन गया था ये मैं बता नहीं सकता। आप खुद सोचें, अगर प्लेटफॉर्म खड़े हैं और बहुत से पैसेंजर वहाँ पर, ट्रेन आती है, आप क्या बता पाएंगे सबसे पहले कौन गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसी राइटर कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता पहले कौन गया। एट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, राइटर कह रहा है कि वो लास्ट ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली, अ स्टॉपिंग ट्रेन एंड इन्फेंट्री लेजरली ट्रेन। दिस ट्रेन टेल्स अबाउट अ फ्री, ऐसी ट्रेन थी जो बिल्कुल स्वतंत्रता का अनुभव करा रही, फ्री, वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी, एक ऐसी ट्रेन जो आपको बिल्कुल स्वतंत्रता का अनुभव करा रही है, फ्री ऑफ फॉर्म में आप जा रहे हैं, और टाइम का कोई ज्ञान नहीं कभी पहुँचाएगी, क्योंकि रुक रुक चलने वाली वो ट्रेन थी। इट वॉज टॉबली फुल वेन इट स्टार्टेड, वेन ई स्टार्टेड, जब चलती है तो टॉलबली, टॉलबली मीन्स पूरी तरह से भरी होना, पर्याप्त रूप से खचाखच भरी रहना। वेन इट स्टार्टेड बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशन, जैसे वो आगे चलती है और सबअर्बन स्टेशन, इसमें फैमिली है, सबअर्बन मीन्स फैमिली है, परिचित स्टेशन है, आते और बहुत से लोग उससे उतर जाते हैं बारी बारी से, जो पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे उनका स्टेशन आता है और वो पैसेंजर एक एक करके धीरे से उतर जाते हैं। सबअर्बन स्टेशन द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, एंड बाई द टाइम We had left the outer ring of London behind. मैंने सोचा, I thought that London just leave behind. कि मुझे लगा कि जैसे लंदन जहाज में यात्रा कर रहा था वो बहुत पीछे छूट गया है, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। Ring of London behind, I was alone. Rather, I thought I was alone. कुछ क्षण बाद, after some times, Peter thought that he was alone. उसने फील किया कि जैसे कि अब वो अकेला हो, क्योंकि पैसेंजर जैसे उतरते गए लंदन की सीमा पीछे छूट गई थी, पैसेंजर भी अपने स्टेशन उतरते जा रहे थे, और ट्रेन जो पहले भरी हुई थी अब धीरे धीरे खाली होती चली जा रही। देयर इज अ प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कैरिज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। वो ऐसी ट्रेन थी जो झटका देकर शोर करती हुई चलने वाली ट्रेन थी, और एक सुहाने मौसम का अनुभव करा रही। प्लीजन सेंस, प्लीजन मीन्स सुहाना। इट इज लिबर्टी एंड स्टेन इन वेरी एग्रीबल फॉर्म एंड स्वीकारात्मक स्थिति, मीन एवरी वन जस्ट नो दैट इट इज अ फ्री ऑफ टाइम इन दैट ट्रेन। कोई व्यक्ति सोच सकता था जिससे हम स्वतंत्र रूप से इसमें यात्रा कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है,
उस तरह से वो ट्रेन हो चुकी थी, तो पैसेंजर उतर चुके थे। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, बेटा उस प्लेस उस सिचुएशन को देख करके अगर लिखता है और बताना चाहता है कि आपको उस खाली समय में, जैसे ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और ट्रेन पहले भरी हुई हो पूरी तरह से और कुछ बार ट्रेन खाली हो जाए, आप उस कंपार्टमेंट में हैं, उस डिब्बे में हैं, तो राइटर कह रहा है कि आप क्या सोच सकते हो, आप अपने सफ़र में चल रहे हो, आप क्या सोच सकते हो, आप मन में, आपके मन में बहुत चीज़ें आएंगी। तो राइटर कह रहा है कि वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्या सोचते हो खाली समय में। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप जो चाहो वहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, आप अपने आप से अकेले में बात कर सकते हो, जितनी तेज चाहे उससे आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप भीड़ में हैं तो आप एक अपने मन की बात, अपने स्वयं से बात नहीं कर सकते, राइट। राइट कह रहा है कि जो चीज़ आप अपने मन से कुछ बोलना चाहते हो, अपने आप से कुछ कहना चाहते हो, आप वहाँ बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब भीड़ में आप बैठे हुए हो और कुछ अपने बारे में बोलने लगी, अपना नाम लेकर बोलने लगी, तो लोग आपको पागल समझेंगे। लेकिन राइटर कह रहा है कि यहाँ एकांत है, आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि इस ट्रेन इस कंपार्टमेंट में कोई नहीं है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल इन टेम्परेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। आप बोल सकते हो, तेज आवाज से बात कर सकते हो, बहस कर सकते हो, क्योंकि आपके काउंटर स्ट्रोक में कोई नहीं है, आपको हराने वाला कोई नहीं है, आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है, आपके प्रतिद्वंदी में कोई नहीं है, इसलिए आप आराम से अपनी बात को तेज से चिल्ला करके बोल सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अगर चाहो कि सिर के बल खड़े होना है तो आप सिर के बल वहाँ खड़े हो सकते हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, भरी हुई ट्रेन में। भरी हुई ट्रेन में अगर आप सिर के बल खड़े हो गए तो लोग आपको हंसेंगे, आपको डांटेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप खड़े हो सकते हो। नो वन विल सी यू, यू कैन सिंग और डांस और टू स्टेप और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। आप यहाँ पर मार्बल खेल सकते हो, सिर के बल खड़े हो सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो गोल्फ की, आप गेंद की तरह खेल सकते हो, मार्बल खेल सकते हो, कंचे कंचे होते हैं उनको खेल सकते हो, कोई भी आप गेम यहाँ खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। आप दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हो, दोनों खिड़कियाँ बंद कर सकते हो, लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट में बाएं और दाएं तक खिड़कियाँ होती हैं, उनको आप बंद कर सकते हो, उनको खोल सकते हो। भीड़ में नहीं कर सकते हैं, अगर आप भीड़ में हैं, कई लोग बैठे हैं और आप खिड़की बंद करना चाहते हो, दूसरा खोलना चाहता है, अगर आप बंद कर दो तो वो आपको चिल्लाएगा, राइट, ही वाज स्कोल्डिंग, वो आपको डांटेगा। और दूसरा अगर वो खोलना चाहता है, आप बंद करना चाहते हो, दो कर दे, ऐसी चीज़ कर सकते हैं, राइट। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। आप चाहो दोनों खोल के जा सकते हो, चाहो दोनों बंद करके रख सकते हो, आप दरवाज़ा खोल के जा सकते हो, खिड़कियाँ खोल के जा सकते हो, राइट कह रहे हैं वहाँ कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। आप पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी कॉर्नर चुन सकते हो और बदल बदल कर एक दूसरे कॉर्नर में बैठ सकते हो, आप जैसा चाहो। At trial of them in turn, you can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself. आप अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पूरी तरह से लेट सकते हो, घूम सकते हो, कुछ कर सकते हो, और regulation means नियम कानून वहाँ तोड़ सकते हो। किस चीज़ का, डोरा का, डोरा का नियम आप तोड़ सकते हो, डोरा के हृदय को तोड़ सकते हो। डोरा क्या है, डोरा DORA, राइट, डोरा अगर हम बात करें तो डोरा का यहां से क्या है, डोरा टी फॉर डिफेंस ऑफ और ऑफ आर फॉर रियलम ए फॉर एक्ट, राष्ट्र राज्य का सुरक्षा कानून, राइट, राज्य का सुरक्षा कानून। रीलम मतलब क्या होता है, राज्य, रीलम इज राज्य और डिफेंस मतलब सुरक्षा, एक्ट मीन्स कानून।
राज का सुरक्षा कानून आप तोड़ सकते हो और कोई आपको देखने वाला नहीं है उसमें। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, केवल डोरा को पता चल पाया कि उसका हृदय आपने तोड़ा और कोई नहीं कह सकता। यू हैव एस्केप इवन डोरा, आप डोरा से बच सकते हो। डोरा मतलब इस सुरक्षा कानून जो बनाया गया राज से, इससे आप बच सकते हो। ये कानून तब बनाया गया था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में 1914 से 1918 राइट, ये जो युद्ध हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ये चीज़ नियम बनाया गया था कि जो लोग यात्रा करेंगे ठीक है, उनको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आतंकवादी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए ट्रेन नियम बनाया गया था कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो खिड़कियाँ बंद करके बैठें, उतरें तो दरवाजे बंद कर दें, कोई चीज़ सामान रखा हो तो छुए नहीं है। आज भी नियम पालन किए जाते हैं, तो ये नियम उसी समय बनाए गए थे राइट। तो राइटर यहाँ कहता है कि सुरक्षा के नियम आपको वहाँ पर देखने को मिले। तो डोरा के नियम को आप यहाँ पर तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई आपको देखने वाला नहीं है। राइटर बड़ी मस्ती के साथ ऐसी यात्रा कर रहा था और बीच में जो उसने अनुभव महसूस किया उसने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। लेकिन आपके चैप्टर का नाम क्या है, फेलो ट्रेवलर। फेलो मतलब क्या है, फेलो सहयात्री। लेकिन यहाँ कौन बनता, मॉस्किटो। मॉस्किटो ही यहाँ एक सहयात्री बनेगा। तो इस बीच में जो उसको गर्मी मिलती है तो अब उसके सहयात्री, जो सारे यात्री उसके छूट जाते हैं, उतर जाते हैं, तो उसके सहयात्री का प्रवेश होता है और सहयात्री के प्रवेश में ही राइटर अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है। उसने अगला समय अपना किस प्रकार से उसके साथ बिताया, जैसे वो बिताता है और ये महसूस करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो एक मच्छर से उसकी मुलाकात होती है, मच्छर उसको कितना डिस्टर्ब करता है। लेकिन राइटर अपने पूरी योजनाओं को बनाता है बार बार मच्छर को मारने का, लेकिन अंततः वो मच्छर को मार नहीं पाता है और किस प्रकार से उसके अंदर और फीलिंग्स आती हैं आगे हम वीडियो में बात करेंगे। और सेस तैयारी करते जाइए, इसमें हम नोट्स आपको भेजेंगे, लेकिन रेगुलर आप स्टडी इसमें करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।